क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा चाइल्ड स्टार था जो राजेश खन्ना की तरह सुपरस्टार था? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं शो में आज उसी चाइल्ड स्टार के बारे में बात करेंगे? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे चाइल्ड स्टार हुए हैं जो अपने ज़माने में खूब पॉपुलर हुए, जैसे डेजी ईरानी, मास्टर सचिन, मास्टर राजू, मास्टर अलकार, ऐसे बहुत से। लेकिन जिस चाइल्ड एक्टर ने सबसे ज़्यादा स्टारडम कमाया उसका नाम था जूनियर महमूद, जिन्होंने 70 के दशक में उस ज़माने के सुपरस्टार राजेश खन्ना की तुलना में बराबर की पॉपुलरिटी कमाई। उनके स्टारडम का ये हाल था कि उनके लिए स्पेशल रोल लिखा जाता था और जूनियर महमूद हाईएस्ट पेड चाइल्ड एक्टर थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जूनियर महमूद का स्टारडम और राजेश खन्ना का स्टारडम एक साथ ऊंचाई पर पहुंचा और दोनों एक्टर्स ने एक साथ कई पिक्चरों में काम किया, जैसे हाथी मेरे साथी, आन मिलो सजना, कटी पतंग, दो रास्ते, आपकी कसम। जिस तरह प्रोड्यूसर राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में साइन करने को बेकरार रहते थे, उसी तरह हर प्रोड्यूसर जूनियर महमूद को भी साइन करने के लिए उनके घर के बाहर लंबी कतार में खड़े रहते। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना की तरह जूनियर महमूद का भी बड़ा रुतबा और बड़े स्टार की तरह उनकी भी शान और शौकत थी, और वो भी एक दिन में 4-5 पिक्चरों की शूटिंग किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जूनियर महमूद का कर्ज पब्लिक में इतना था कि फिल्म प्रोड्यूसर उनकी फ़ोटो भी फिल्म पोस्टर पर छापते थे, क्योंकि पब्लिक उनका फ़ोटो देखकर सिनेमाघरों में पिक्चर देखने आया करती थी। राजेश खन्ना की तरह जूनियर महमूद भी जूनियर सुपरस्टार थे और राजेश खन्ना की तरह जूनियर महमूद भी इम्पॉर्टेंट गाड़ी में घुमा करते थे, क्योंकि उनकी फीस भी राजेश खन्ना के टक्कर की होती थी। लेकिन जिस तरह राजेश खन्ना का स्टारडम कुछ सालों का था, उसी तरह जूनियर महमूद का स्टारडम भी सिर्फ उनके बचपन तक सिमट कर रह गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।